आधी रात को लगने वाली भूख का सताया हुआ मैं निकला तो रास्ते में डिलीवरी बॉय को देख के सोचा कि यार इसे पराया ऑर्डर खींच लो, लेकिन ये बोलना था कि वो टापो टाप शार्ट हो गया। यू मैंने भी स्कूटर को एक्सीलेटर दिया और सीधा पहुंचा था हंगर सॉल्यूशन पे, क्योंकि सुनने में आया कि खैरपुर में इसका फास्ट फूड बहुत पसंद किया जाता है। आपका भाई वहां पे भी अपने रिवायती अंदाज में काउंटर की जाने बढ़ गया, क्योंकि मुझे वहीं बैठ के खाना था तो भाई ने मेरा रुख कुर्सियों की जाने कराया और बोला वहां बैठ के मेन्यू पे नजर मारो। लेकिन मेन्यू से पहले मैं अपने वॉलेट पे नजर मार चुका था जिसकी पोजीशन ठीक नहीं थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था इनका सिग्नेचर पिज्जा और बर्गर खाने का, जिस पिज्जा की मेकिंग देखकर मेरे आंखों से आंसू और मुंह से पानी निकल रहा था। वहीं मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया और सस्ते में दोनों ख्वाहिशें निपटा दी। फौरन से मैंने पिज्जा बर्गर लगा दिया, भाई ने फटाफट उसकी मेकिंग शुरू कर दी और कैसे कैसे उसको तैयार किया ये खुद ही देख लें। ओवन से निकालने के बाद उसकी मजीद मेकिंग शुरू कर दी। फिर बर्गर के ऊपर चीज और दो ऑलिव के पीस रखे उसको ओवन के अंदर दोबारा से तपा दिया। फिर मैं बाहर जाके बैठा तो भाई साहब 5 मिनट में बर्गर लेके आ गया, जिसको चारों तरफ से कैमरा घुमा के पहले मैं ताड़ता रहा और नजरों से खाता रहा। फिर मैं सबर के इम्तिहान में फेल हो गया, बर्गर को उठा के केचप में डिप करके पहली बाइट ली। इसके टेस्ट में इतना खो गया कि दम है बोलना ही भूल गया। फिर बर्गर को सॉस में डिप करके जब बाइट ली तो लबों से कुछ कलाम जारी हुए। दम है भाई, दम है।